नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो हमारा विषय है वो इस बात पर है कि हमें घर घर की कौन सी दीवार पर घड़ी लगानी चाहिए जिससे माता लक्ष्मी हमसे प्रसन्न हो जाएंगी, और किस दिशा में लगाना बुरा होता है और किस दिशा में घड़ी का लगाना सही होता है। वास्तुशास्त्र कहता है कि घर की दक्षिण दिशा में घड़ी लगाने से उन्नति के अवसरों में बाधा उत्पन्न होती है। इस दिशा में घड़ी का असर घर के मुखिया के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। और कभी भी दरवाजे पर घड़ी ना लगाएं। वास्तुशास्त्र में ऐसा करना अशुभ का संकेत माना जाता है। यहाँ घड़ी लगाने से घर से अंदर बाहर आने जाने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव घड़ी पर आ जाता है, जिससे कई प्रकार की परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। वास्तु ज्ञान में उत्तर और पूर्व दिशा को वृद्धि की दिशा माना गया है, इसलिए घड़ी को हमेशा घर या दुकान की उत्तर या पूर्व दिशा पर ही लगाएं। घर में पेंडुलम वाली घड़ी लगाने से व्यक्ति के जीवन का बुरा समय दूर होता है और उन्नति के नए अवसर भी मिलते हैं। घर में बंद घड़ी नहीं रखनी चाहिए, इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और बंद घड़ी व्यक्ति की प्रगति में रुकावट बनती है। सही समय से आगे और पीछे चलने वाली घड़ियां शुभ नहीं होती। ऐसी घड़ियों से व्यक्ति को मुश्किलों और नुकसान का सामना भी करना पड़ता है। और घर में सकारात्मक ऊर्जा संचार बना रहे इसके लिए मधुर संगीत वाली घड़ी लगाएं। इसलिए घड़ी को हमेशा सही समय पर सेट रखें। घर में हरे और ऑरेंज रंग की और दुकान में काले और डार्क नीले रंग की घड़ी नहीं लगानी चाहिए, इससे घर और दुकान में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। और हमें घर के हॉल में चौकोर और शयन कक्ष में गोल घड़ी लगानी चाहिए। ऐसा करने से घर में शांति और प्यार बना रहता है। और हमें घड़ी पर धूल नहीं जमने देना चाहिए, समय समय पर उसे साफ भी करते रहना चाहिए। और तकिए के नीचे घड़ी रखना वास्तुशास्त्र में अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से विचारधारा पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है, स्वभाव में नकारात्मक बदलाव आ जाते हैं आपके। तो ये थे हमारे कुछ उपाय और कुछ आपको जो बातें ध्यान रखनी है, घड़ी को किस दिशा में लगाना है, किस रंग की घड़ी लगानी है, किस शेप की घड़ी लगानी है, वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, जिससे मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।